सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे YouTube वीडियो पे क्लेम आ चुका है, हम उसको कैसे रिमूव करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में बहुत ही आसानी के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, अपने फ़ोन की स्क्रीन पर मैं लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको क्लेम रिमूव करना है। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोवालिम चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपको अपने क्रोम में आ जाना है और वहाँ पर जाकर यूट्यूब को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया है। इसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो अपने यूट्यूब वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने न्यू ओपन टैब पे ओपन कर लिया है। सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आपको भी इसी तरह से स्टूडियो ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे वीडियो वाले पे सेक्शन पे क्लिक करके आपको वीडियो देख लेनी है जिसपे वीडियो पे आपके क्लेम आ चुका है। सिंपली आपको उस वीडियो पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेट डिटेल्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपकी वीडियो पे किस वजह से क्लेम आया है। जैसे यहाँ म्यूजिक वाला ऑप्शन है और बाकी देख सकते हैं किस कंपनी ने आपको यहाँ पे क्लेम दिया है। और इसे रिमूव करने के लिए सिलेक्ट एक्शन पे हम क्लिक करेंगे और फिर बाद में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि आप सॉन्ग बदलना चाहते हैं फिर म्यूट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं म्यूट करना चाहता हूँ। सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे ओके करके आपको यहाँ पे इस तरह से इसे डन कर सकते हैं। कुछ ही घंटे के बाद आपके दोस्तों इस वीडियो पे से क्लेम हट जाएगा, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे जो पहले और भी वीडियो नॉर्मल है सेम वैसे ही देखने के लिए आपको ये भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया है कैसे रिमूव करना है और कैसे रिक्वेस्ट करके हटवाना है अपनी वीडियो पे क्लेम, आप भी इसी तरह से रिमूव कर सकते हैं अपने वीडियो के क्लेम को, या फिर कोई भी कॉपीराइट हो उसको रिमूव करा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म, चलो अब बाय।